नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग बुक के बारे में जिसने दुनिया में सोच विचार का नजरिया ही बदल दिया है। इस बुक को लाखों लोगों ने पढ़कर अपनी लाइफ चेंज की है और एक पॉजिटिविटी आई है। बहुत से लोगों ने अपने रिलेशन सुधारे हैं जो हेल्दी नहीं थे, उन्होंने अपनी हेल्थ सुधारी है, लोगों को काम करने की एक सही राह दिखाई है। इस बुक ने दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। इस बेस्ट सेलर बुक की 23 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल हुई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द सीक्रेट बुक की, जिसे रोंदा बायन ने लिखी है। इस बुक को 48 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। इस बुक को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई है जो बहुत हिट हुई थी। पर इस बुक में ऐसा है क्या जिसकी वजह से यह इतनी पॉपुलर हुई? इस बुक में कौन सा ऐसा सीक्रेट है जिसने लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया है? इस बुक में क्या मैजिक है जो आपको भी सक्सेस की ओर ले जाएगा? कहते हैं, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इस बुक में यही बताया गया है कि कैसे हम अपने मेंटल बैरियर से लड़े, वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटिशन नहीं बल्कि क्रिएशन इम्पोर्टेंट है। इस बुक में अमीर बनने की सारी साइंस को डिटेल में समझाया गया है। वह लोग जो लाइफ के हीरो बनकर बहुत सारा पैसा और वेल्थ कमाना चाहते हैं, यह बुक उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं द सीक्रेट बुक समरी। व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? दोस्तों, दुनिया में आज तक जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा किया है, चाहे वो रेपुटेशन हो या वेल्थ हो, पॉपुलैरिटी हो, पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, स्टडी हो, स्पोर्ट्स या किसी भी फील्ड में हो, वह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हुआ है। अब चाहे उनको इसके बारे में पता हो या ना हो, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया है वह सब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हुआ है। आप जितनी चाहो उतना वेल्थ, हेल्थ और अपनी हैप्पीनेस बढ़ा सकते हैं। अपने लीडर्स जैसे न्यूटन, एडिसन, आइंस्टीन और शेक्सपियर, ये सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे। इस लॉ का यूज करके ही उन्होंने इतनी सारी सफलता हासिल की है। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब कि आप जैसा अपने माइंड में सोचोगे आपके साथ रियलिटी में भी वैसा ही होगा। आप सब अच्छा सोचोगे तो आपके साथ सब अच्छा होगा। आप अच्छी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे और अगर आप बुरा सोचोगे तो सारी बुरी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। आपकी लाइफ में अभी भी जो कुछ हो रहा है वह सब आपकी थिंकिंग के कारण ही हो रहा है, उसे आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। आज की दुनिया में जिस किसी के पास खूब पैसा है, गाड़ी है, वेल्थ है, वह सब उसकी सोच के कारण ही है। वह अपने काम से इन सारी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वह और भी वेल्दी होता जा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही थॉट चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आसपास अमीर लोगों को देखो। अमीर आदमी के दिमाग में हर वक्त पैसा पैसा ही चलता रहता है। वह ज्यादा से ज्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं, इसे कैसे कमाया जाए, तभी उनके पास पैसा है। एक अमीर और एक गरीब आदमी, दोनों को एक ही रात में अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना दो। अब गरीब आदमी लग्जरी लाइफ जिएगा, वहीं अमीर आदमी गरीब वाली लाइफ जिएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। इन दोनों को कुछ सालों के लिए छोड़ दो, फिर कुछ सालों के बाद उनसे मिलो। दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस लौट चुके होंगे। गरीब फिर से गरीब बन जाएगा, वहीं अमीर वापस अमीर बन चुका होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गरीब का नेचर पैसे उड़ाना है। वह गरीब था और ऐसा ही रहेगा। उसकी थिंकिंग छोटी है और वो उतना ही सोचेगा। उसका दिमाग भी गरीब वाला ही रहेगा। अमीर होने के बाद भी वो खर्चों के बारे में सोचेगा। उसे ऐसे थॉट्स आएंगे कि कमाने की बजाय अपने खर्चे के बारे में ज्यादा सोचेगा। दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, वहीं यूनिवर्स में जाएंगे, वहीं उसको वापस मिलेगा, इसलिए वह वापस गरीब बन जाएगा। जबकि अमीर को लग्जरी लाइफ जीने की आदत है, वह अपना सारा दिमाग कैसे भी कुछ भी करके अमीर बनने में लगाएगा। इतनी मेहनत करेगा, इतना दिमाग चलाएगा कि वह वापस उसी पोजीशन पर पहुंच जाएगा।
जिसके दिमाग में सारा दिन पॉजिटिव थॉट्स होंगे, वो पॉजिटिविटी ही यूनिवर्स में भेजेगा और इन रिटर्न उसे पॉजिटिविटी ही मिलेगी, जिससे वो और मोटिवेट होगा और मेहनत करके फिर से अमीर बन जाएगा। हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। अब तक आप सब जान गए होंगे कि सीक्रेट क्या है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसके बारे में आप सोचिए। अगर आप लगातार उसके बारे में सोचते रहेंगे तो एक ना एक दिन वह आपको मिल ही जाएगा। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। यही लाइफ का नियम है, जिसे हम शिद्दत से चाहते हैं वो हमें मिल ही जाता है। ऑथर बताती हैं कि हम सभी के थॉट्स एक फिक्स फ्रिक्वेंसी में होते हैं। आप जैसा सोचते हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह फ्रिक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेजते हो। फिर इसी तरह की फ्रिक्वेंसी की चीजों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने थॉट्स की फ्रिक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि हमेशा पॉजिटिव सोचे और आगे बढ़ने की सोचे तो आप सच में वो सब अचीव कर पाएंगे। Why it's not working for you? हो सकता है कि यह लो आपके लिए काम न कर रहा हो, पर ऐसा है क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होती हैं, जबकि उन्हें उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो वो चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी है और आप रात को जल्दी सोने जाते हो, पर आपके दिमाग में चल रहा है कहीं आप लेट ना हो जाओ, तो ऐसे में उस रात को आप ढंग से सो नहीं पाओगे, आपको बेचैनी सी रहेगी। फिर सुबह भी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आप लेट हो ही जाओगे, क्योंकि आप बस यही सोच रहे थे। तो इसका मतलब है कि आप लेट होने को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि आपको यह सोचना चाहिए था कि मुझे सुबह जल्दी जाना है। हम सबकी प्रॉब्लम यही है, हम सब चीजों को बुरी साइड से ही देखते हैं। हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो बस यही सोचते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। इसके बजाय आपको सोचना चाहिए कि आपको पास होना है, मुझे गरीब नहीं रहना है, जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे अमीर बनना है। कहीं मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं, जबकि आपको सोचना चाहिए कि मुझे टाइम पर ऑफिस जाना है। इसलिए अगर आप नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करोगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करे तो आपको उन्हीं चीजों के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए। दोस्तों, द सीक्रेट बुक ही एक ऐसी बुक है जो लाइफ में कुछ भी पाने की शक्ति देती है। यह समरी सुनने के बाद आप इस बुक को जरूर जरूर पढ़ें। दुनिया में सारे वेल्दी लोग या सक्सेसफुल लोग द सीक्रेट के बारे में जरूर बताते हैं। इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप खरीद सकते हैं। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि इस सीक्रेट को यूज कैसे करते हैं। हाउ टू यूज द सीक्रेट। हमें यह देखना है कि हम इस सीक्रेट को अपने लिए यूज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने 3-step प्रोसीजर बताया है, जिससे हमें यह पता लगेगा कि किस तरह हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम में ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, आस्क। हमें सबसे पहले जो चीज अपनी लाइफ में चाहिए उसे मांगना होगा। हमें यूनिवर्स को यह मैसेज भेजना होगा कि हमें क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में चाहिए। आप इसके लिए कोई भी लिमिट सेट मत करो। जितनी बड़ी चीज चाहिए उसे मांगो। अब वह चाहे आपका घर हो, गाड़ी हो, हैप्पीनेस हो, फ्रीडम हो, वह कुछ भी हो सकता है, वह सब मांगो। इन सब ड्रीम्स को आप एक पेपर में लिखकर अपने पास जरूर रखें, ताकि बार बार उन्हें देखें तो आपको आपके गोल्स याद रहेंगे और इधर उधर नहीं भटकेंगे। आपको जो भी चाहिए उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज आप मांग रहे हो आपको खुद ही यह डाउट है कि वह मिलेगी या नहीं, तो आप यूनिवर्स में एक मिक्स फ्रिक्वेंसी भेज रहे हो। ऐसे में उस चीज को अचीव करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। जब आप सोचते हो यह मेरी ड्रीम जॉब है और मुझे यह चाहिए, लेकिन जब आपको खुद पर ही डाउट होगा कि मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ, तो इसी सोच के कारण वह जॉब हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हम मांगते तो हैं लेकिन 100% क्लियर नहीं होते। इसलिए जितना बड़ा हो सकता है आप अपने लिए मांगो, पर गोल्स क्लियर होने चाहिए। स्टेप सेकंड, बिलीव।
ऑथर कहते हैं, जो भी चीज आपको चाहिए, जिस समय आपने वह चीज मांगी है, उसी वक्त वह आपको मिल चुकी है। आपको ऐसा विश्वास करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, आपको पता है कि वह चीज अभी आपके हाथ में नहीं आई है, लेकिन आपको विश्वास हो जाता है कि वह चीज मेरी ही है। उसी तरह आपने यूनिवर्स से जो भी चीज मांगी है, तो उसी वक्त आपको बिलीव हो जाना चाहिए वह चीज आपकी हो चुकी है। वह चीज आपको मिलेगी या नहीं, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बस यही सोचना है कि वह चीज आपकी हो चुकी है। आपको यह नहीं सोचना है कि आपने इतनी बड़ी चीज मांग ली है, लेकिन वह आप तक कैसे आएगी, यह आपका काम नहीं है। वह चीज आपके पास आ जाएगी, बस आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। थर्ड स्टेप, रिसीव। एक बार आप सोचकर देखिए, अगर आपका ड्रीम बिजनेस या ड्रीम जॉब आपको मिल जाए तो कैसा फील होगा। ठीक इसी तरह आपको फील करना है। जब आप पहले के दो स्टेप पूरे कर लें, उसके बाद आपकी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपको वह चीज रिसीव हो चुकी है। फिर आप अच्छा फील करोगे, तब आप अच्छी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे, जिससे आप अपनी मनपसंद चीज को और भी अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको गाड़ी चाहिए, तो उसे पाने की फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए। इसके लिए जाइए और उसकी टेस्ट ड्राइव लेकर आइए। बस यह फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए कि वह गाड़ी आपकी हो चुकी है। आपके अंदर उसे पाने की इच्छा होनी चाहिए। यह द सीक्रेट के 3 स्टेप्स से, जब आप इन्हें अच्छे से फॉलो करोगे, तो आप भी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे। इस पूरी बुक में ऑथर ने बार बार यूनिवर्स को बताने के लिए जोर डाला है। उसका रीजन भी है, जैसे आप किसी होटल में जाते हो, तो पहले वहाँ आप अपना ऑर्डर देते हो, फिर आपका ऑर्डर आप तक पहुँचता है। ठीक उसी प्रकार हमें यूनिवर्स को भी बताना पड़ता है। यूनिवर्स हमें सब कुछ दे सकता है जो हमें चाहिए, लेकिन पहले बताना तो पड़ेगा। इस चीज को करने का एक बहुत आसान तरीका है। एक कार्डबोर्ड पर अपनी ड्रीम्स की पिक्चर लगा दो। उसे ऐसी जगह रखो जिस जगह बार बार आपकी नजर जाती रहे। आपको अपनी सारी ड्रीम्स को एक लिस्ट बनाकर अपने पास रखें, ताकि उसे रोज पढ़ सके। आपको कैसे वैसे की सोच से अलग होना पड़ेगा। वह यूनिवर्स आपके लिए खुद ही अरेंज करेगा। बस आपको अपने ड्रीम्स पर पूरा विश्वास होना चाहिए। इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। क्या आपने कभी अंधेरे रास्ते पर गाड़ी चलाई है? गाड़ी चलाते वक्त आपकी हेडलाइट कितनी दूर का रास्ता दिखाती है? घर तक का रास्ता ना देखने पर भी हमें जितनी दूर का रास्ता दिखाई पड़ता है, उतनी दूर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हमारा विजन क्लियर होता है कि हमें घर पहुंचना है। इसी तरह हमारी लाइफ में ड्रीम्स के साथ भी ऐसा ही होता है। भरोसा करो, पहुंच जाएगा। जितना रास्ता दिख रहा है उतना तो चलो। यही चीज होती है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होती। अपने विजन को लेकर उनके दिमाग में डाउट रखते हैं। अगर हमारे दिमाग में डाउट होगा, तो यही मैसेज बनकर यूनिवर्स में जाएगा। आप बस भरोसा रखो, बाकी काम यूनिवर्स करेगा, आपके लिए खुद रास्ता बनाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक अमेजिंग बुक द सीक्रेट की समरी। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अपने गोल्स क्लियर कर लिए होंगे। तो अब आपका काम है कि अपने गोल्स की एक लिस्ट बनाएं और रोज उन्हें देखें, ताकि उन्हें पूरा करने में आपको कोई डाउट ना हो। इस बुक को जरूर जरूर पढ़ें, यह बहुत ही अमेजिंग बुक है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।